शराब भी थोड़ा सा उनकी बात कुछ करते रहिए। अस्सी का मतलब क्या हुआ, कितनी बार सैंपलिंग हुई होगी? सर पाँच बार। पाँच बार सैंपलिंग हो चुकी है। क्या है झारखंड में किस जगह सैंपल लेंगे? जो भी कंपनी का आई है, जो पूरी कंपनी आई है सैंपल पूरी। नहीं तो वाटर का है? हाँ वाटर से, पूरा वाटर से, ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर तो कुछ नहीं पता। ये कौन मार्किंग? ये नाइट्रेट है। नाइट्रेट के लिए कौन पूछा नहीं है? नाइट्रेट के लिए हम, अच्छा नाइट्रेट वाटर में भी करना है ना? तो ये भी क्या कर रहे हैं इसमें? क्या रखी हुई है कृषि उड़ी जाए इस तरह से रख दिया था ये कैसा ना फिर कोई गिरा रहा। आप ये सब करिए ना इसका कलर। ये सारे सैंपल्स हैं ना, देखिए ये भी नाले हैं। हाँ वो रखिए सामने, देखिए ये 80 नाले का कुल है। देखिए सैंपल लीजिए ना, तो इसका सी ओ डी वैल्यू क्या आया? तुम जब चाह केवल सी ओ डी वैल्यू तो मतलब 30 तारीख में जो तुमने सुंदरपुर पे 242 था और विदा खाते पे 703 हो रहा है, ये फिर 4 तारीख को यहाँ 1613 कैसे आ गया सुंदरपुर में? फायदा क्या होगा? कैसे मॉनिटर करेंगे? अगर एक ही टाइम कुछ भी स्टेबलाइज नहीं करेंगे, पता चला कि सवेरे सवेरे सीजन का हो, एक दोपहर के बाद का हो, तो फिर नहाने दो आखिर इधर कैसे होगा? इधर बड़ा घंटा था तो ट्रीट हो गया, कैसे किए हैं? तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नहीं फिर से करना पड़ेगा। हमसे पूछते भी नहीं तुम लोग, ये तो ये क्या लग रहा है? क्या अचानक कुछ कूड़ा होता ले गया? पीछे ओडिशा पर बीक इलाज में सुनते लेवल था ना, पूरा से बीक इलाज क्या बता रहे थे। हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उनकी इच्छा थी, प्रतिबद्धता थी कि इस बार जब कुंभ में स्नानार्थी आए तो उनको स्वच्छ गंगा जल मिले। इसके लिए जो नेशनल मिशन ऑन क्लीन गैंजेस है उसने कोशिश कर रहा, उनका ये कोशिश है कि जो है जितनी भी इंडस्ट्री गंगा के किनारे हैं कम से कम उनसे अवजल इस क्वालिटी का निकले जो सरफेस डिस्चार्ज इसका किया जा सके। अगर उनकी अवजल की क्वालिटी ख़राब है तो उनको कंपनी को बंद करने का भी फरमान तुरंत मिल सकता है। ये पूरी तैयारी है प्रदेश सरकार की। तो इलाहाबाद के जो अपस्ट्रीम रीजन हैं, चाहे आप समझ लीजिए कि आप बिजनौर से लेके इलाहाबाद तक जितनी भी इंडस्ट्री होंगी वो जो उस समय चल रही होंगी, तो उनका क्वालिटी ऐसा होना चाहिए अवजल का जो गंगा की पानी की क्वालिटी को ख़राब ना करे। इसके लिए एक ये निर्णय लिया गया और उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को एक काम दिया गया कि आप अपने प्रदेश में जितने महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनको इस कार्य में लगाएं। और हमारा संस्थान जो कि बहुत ही लीडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, और हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर प्रोफेसर प्रमोद जैन की भी हमेशा इच्छा रहती है कि हम समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इसलिए हम लोग इस काम में बड़ी तेज़ी से इच्छा कर रहे हैं। और 36 इंडस्ट्रीज़ और 2 CETP और STP कानपुर के जो कम्बाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी भी मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे, और वो 3 बार मॉनिटरिंग करेंगे। एक बार दिसंबर में करने जा रहे हैं जो 2023-30 के बीच में होगा, फिर जनवरी में मॉनिटरिंग करेंगे और फरवरी में। हर समय ये देखने की कोशिश होगी किसी भी महत्वपूर्ण स्नान के पहले गंगा में कोई भी गंदा जल न डाला जा सके। हमें जितनी भी इंडस्ट्री को सैंपल करना होगा हर जगह कम से कम एक टीचर, एक रिसर्च स्कॉलर और एक अटेंडेंट भेजना ही होगा, उस हिसाब से हम टीम बनाएंगे। एक तो इलाहाबाद में चूंकि NIT इलाहाबाद है उसको भी ये जिम्मेदारी दी गई है, और इसके सिवा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है और एक दो इंस्टीट्यूट और हैं। टोटल 4 या 5 इंस्टीट्यूट को ये जिम्मेदारी दी गई है जो गंगा के किनारे हैं। रुड़की है, IIT रुड़की को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।